यस सर, उसमें कोई डाउट है जो हमने कल किया था? एक बार सर जो ग्राफ्स हैं वो बता देते। ग्राफ तो मैं प्लॉट कराऊंगा। मैंने कल तुम्हें कहा था कि सॉलिड स्फेयर, होलो स्फेयर बताया था मैंने, ग्राफिकल वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल ड्यू टू होलो स्फीयर। ये देख रहे थे, ठीक है ना? तो इसको मैंने तुम्हें कहा था कि इसकी ग्राफ तुम घर से बना के ले गया। देखो, तो इंटेंसिटी जो हमने कल प्रूव की थी वो थी जीरो इफ आर लेस देन आर, मतलब होलो स्फेयर के अंदर। और जो इंटेंसिटी थी वो थी जी एम बाई आर स्क्वायर इफ आर ग्रेटर देन इक्वल टू आर। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या बता? नहीं सो अब अगर हम इंटेंसिटी का ग्राफ बनाएंगे, देखो भाई कितना आसान ग्राफ बनाएंगे। मतलब वैसे तो तुम एक्सीज पर मार्किंग कर सकते हो कि भाई ये डिस्टेंस इतनी है, ये डिस्टेंस इतनी है, पर अगर मैं तुम्हारी हेल्प के लिए एक स्फेयर ही यहाँ कंस्ट्रक्ट कर दूँ इस तरह से, ये वो स्फेयर है जिसकी हेल्प से तुम्हें, मतलब जिसकी वजह से तुम्हें इंटेंसिटी या पोटेंशियल कैलकुलेट कर, समझ रहे हो? यस सर, तो तुम ये देखो, इस स्फीयर का सेंटर किसको कंसाइड कर रहा है? ओरिजिन को। ओरिजिन पे। तो एक्स एक्सिस पे ये वाला जो पॉइंट है ये कितना है, ये रेडियस के इक्वल हो जाएगा। तो हमें यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, साफ दिख रहा है। हाँ जी सर, तो विद इन द स्फीयर हाउ मच इज द इंटेंसिटी? बोलो भाई, यहां से देख लो ना, ये जीरो ही तो है। तो हाँ सर, इंटेंसिटी को हम प्लॉट कर रहे हैं वाई एक्सिस पे, तो वाई कोऑर्डिनेट जीरो है अप टू द रेडियस। तुम इस तरीके से ग्राफ बनाओगे या नहीं बनाओगे ये बताओ। यस सर, तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियसली ग्राफ बना दो इस तरह से। मैं वर्ड कॉशियसली क्यों यूज कर रहा हूँ? क्योंकि हमें आर को इंक्लूड नहीं करना, पर इंटेंसिटी टू भी जीरो, तो जो पॉइंट इंक्लूड नहीं होता उसके ऊपर हम ऐसा सर्कल लगा देते हैं। क्योंकि जैसे आर इंक्लूड होगा मतलब हम सरफेस पे पहुंचेंगे, तो इमिडिएटली इंटेंसिटी जी एम बाई कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगी। तो इसका मतलब वाई कोऑर्डिनेट कुछ हो जाएगा ये, हाँ सर, कितना है ये वाई कोऑर्डिनेट? जी एम बाई आर स्क्वायर। अब इसके बाद इंटेंसिटी जो है वो बियॉन्ड द सर्फेस, इसका ग्राफ हम पहले ही बना चुके हैं। बोलो, यस सर, अब तुम चाहो तो इसको रख सकते हो, और नहीं चाह रहे तो तुम्हारी मर्जी होगी, जैसा तुम्हें अच्छा लगे वैसा करना। ठीक है सर। मतलब ये मैंने सिर्फ यहाँ पे इसलिए मार्किंग की है कि जिससे तुम लोग यहाँ पे मतलब ये देख पाओ कि स्फेयर के रेस्पेक्ट में इंटेंसिटी कौन सा रीजन आउटसाइड द स्फेयर, कौन सा ऑन द विद इन द स्फेयर। यस सर, दूसरा, अगर हम पोटेंशियल की बात करते हैं तो होलो स्फेयर के लिए जो पोटेंशियल है वो माइनस, आपकी वॉइस बहुत लो आ रही है। थोड़ा सा अपना वॉल्यूम बढ़ा लो भाई, इफ आर ग्रेटर देन, ये है आर लेस देन इक्वल टू आर। कल हमने डिस्कस किया था कि जो
पोटेंशियल है वो सरफेस का और स्फेयर के अंदर का सेम ही तो होता है, और आउटसाइड द स्फेयर ये है। बोलो कितने लोग इससे एग्री नहीं करते? यस सर। तो अब अगर तुम्हें इसका ग्राफ बनाना है तो अब देखो ध्यान से। अब तुम ऐसा इमेजिन करो कि यहाँ पे ये वाई एक्सिस पे तो पोटेंशियल है, जैसे ये डिस्टेंस है इधर। अब तुम ऐसा सोचो कि ये माइनस साइन ग्राफ में नहीं है, माइनस जी एम बाई आर और माइनस जी एम बाई स्मॉल आर में माइनस साइन नहीं। तो तुम ये देखो कि अगर तो जी एम बाई आर मतलब अप टू द रेडियस मतलब ये पॉइंट इंक्लूडेड है, तो तुम यहाँ देखो कि पोटेंशियल की एक फिक्स वैल्यू है, तो वाई एक्सिस पे एक कांस्टेंट लाइन जाएगी ना ऐसे। बोलो। यस सर। और फिर उसके बाद में ये 1/r के प्रोपोर्शनल हो जाएगा यहाँ पे, तो उसके बाद ये ऐसे चली जाएगी। पहले के कंपैरेटिवली इसका जो फॉल है वो थोड़ा लेस स्टीपर होगा, क्योंकि वहां 1/r² है, यहाँ 1/r। इस बात से एग्री करते हो नहीं करते? करते हैं सर। ये ग्राफ तब है अगर यहाँ माइनस साइन नहीं। तो अगर तुमने fx का ग्राफ बनाया और तुम्हें माइनस fx का ग्राफ चाहिए, तो मैंने तुम्हें कैसे बताया था कैसे बनाना है कि fx के ग्राफ को x एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज बना लेते हैं। बोलो। यस सर। तो भाई अगर इसके मिरर इमेज तुम बना पाओ तो इसी तरह की ही तो बनेगी। ये ऊपर था, ये माइनस जी एम बाई आर हो गए अप टू द रेडियस, यहां देखो। इसके बाद भी ये उस एक्सिस को कट नहीं करेगा, वो सीधे ध्यान रखेंगे इनफाइनाइट के डिस्टेंस जाते टाइम इसके अप्रोचिंग दिखाया जाएगा, कभी कटी कर देते। कुछ बुक्स में ये ग्राफ तुम्हें दोनों साइड दिखाई देगा, मतलब ये ऐसा अगर हम लेफ्ट साइड में बनाएंगे तो भी तो ऐसा ही तो बनेगा इधर की तरफ। ऊपर वाला भी बन सकता है वैसे ही, ऐसा कोई है कि लेफ्ट साइड में पोटेंशियल नहीं होगा सेंटर में? पहले वाला भी बन सकता है अगर तुम उसको भी एक्सटेंड करना चाहोगे, जो पॉइंट है वो यहाँ पर फिर यहाँ पर, समझ गया? यस। बोलो किसी को कोई प्रॉब्लम है तो? नो चलो अब हम सॉलिड स्फीयर को इंक्लूड कर, पोटेंशियल एंड इंटेंसिटी ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यही दोनों के दोनों जो एग्जांपल हैं वो सॉलिड चार्ज स्फीयर नॉन कंडक्टिंग और हॉलो चार्ज स्फीयर, ये दो केस वहां पे भी एज इट इज बनेंगे, वहां पे भी सेम फेनोमेना अप्लाई होगा। तो अब इसमें हम अगर ए पार्ट देखते हैं, इफ आर ग्रेटर देन इक्वल टू आर मतलब उन लोकेशंस के लिए, दैट इज पॉइंट, कौन सा पॉइंट जिस पर हमें इंटेंसिटी और पोटेंशियल कैलकुलेट करना, पॉइंट लाइज आउटसाइड दिस स्फीयर। इस केस के लिए हम पहले की तरह डिस्कस करेंगे कि होल मास ऑफ द स्फीयर, होल मास ऑफ द स्फीयर कैन बी अज्यूम्ड टू बी कॉन्सेंट्रेटेड सेंटर ऑफ द स्फीयर एज अ पॉइंट मास।
ठीक है ना भाई। और पॉइंट मास के यस सर आर डिस्टेंस दूर इंटेंसिटी तुम्हें पता है, जीएम बाई आर स्क्वायर और पोटेंशियल माइनस जीएम बाई आर होता है, सही। ये दोनों सिचुएशन सॉलिड स्फीयर और होलो स्फीयर के लिए आउटसाइड या सरफेस पॉइंट के लिए सेम होती है। यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं फॉर सरफेस आर को कैपिटल आर से रिप्लेस कर देंगे। प्रॉब्लम थोड़ी होगी जब जब हम यहाँ पर सॉलिड स्फीयर को डील करेंगे और जो इंटेंसिटी हम फाइंड आउट कर रहे हैं वो अंदर फाइंड आउट करेंगे किस तरह, ठीक है ना। जैसे अपने पास ये स्फीयर है, ये रेडियस है आर, तुम्हें इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है एट सम पॉइंट विद इन द स्फीयर यहाँ, ये आर डिस्टेंस दूर पॉइंट पी है। तो यहाँ मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं काम कर लेता हूँ कि जितने भी पॉइंट्स आर डिस्टेंस दूर होंगे अंदर स्फीयर के स्मॉल आर पर, अगर मैं हम सबको ज्वाइन कर दूं तो क्या बनेगा, शेल होलो स्फीयर नहीं भैया, सॉलिड स्फीयर बनेगा। ये अंदर भी तो मास होगा, नहीं होगा इसके? हाँ सर होगा। ये m इक्वल टू मास ऑफ कंप्लीट स्फीयर, r इक्वल टू रेडियस ऑफ स्फीयर। मुझे स्मॉल r डिस्टेंस दूर जिन पॉइंट्स पे इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी थी, बेसिकली मैंने उनको सबको ज्वाइन कर दिया तो मेरे पास एक स्फीयर बन गया, ठीक है ना। Yes, sir. अब उस स्फीयर की सरफेस पे सब जगह इंटेंसिटी सेम होगी, इस बात से एग्री हो सर? हाँ जी। तो अब तुम जरा थोड़ा सा ध्यान से देखना जो मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूँ भाई, कि मैं इस स्फीयर को दो पार्ट में डिवाइड कर देता, तुम ध्यान से मुझे देख के बताना कि तुम लोग समझ पाए इसे या नहीं। देखना जरा, एक सर स्फीयर बन गया और एक थिक शेल। हाँ, मतलब हमने क्या करा कि जो हमारे पास गिवन स्फीयर था उसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया, और उसका जो अंदर वाला स्फीयर था उसको हमने उससे निकाल के बाहर अलग कर लिया। ये फिगर इन दोनों को मिला दूंगा तो यही बन जाएगा। बोलो जी सर, दोनों का कलेक्टिव मास कितना है? कैपिटल M। कलेक्टिव मास ये M है या नहीं? ऐसा भाई, इसका मास अगर M1 है तो क्या वो M अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 4/3 पाई आर क्यूब नहीं है? होगा सो m r cube upon r cube,
बोल दो कोई प्रॉब्लम है कश्मीरी। नो सर। दूसरे को मैं एम में से माइनस कर लूंगा, नीचा निकल जाएगा, उसकी मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए नहीं करूंगा। एग्री करते हैं बात से? नहीं करते तुम? करते हैं सर। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना। तो इस पॉइंट पी की जो इंटेंसिटी है, अगर मैं उसको देखता हूं, तो मैं इस पूरे कंप्लीट स्फीयर की इंटेंसिटी या इन दोनों की वजह से इस पॉइंट पी की इंटेंसिटी, ये पॉइंट पी यहाँ है और यहाँ, अगर मैं इसको अंदर डाल दूंगा इसके, तो जो इंटेंसिटी पॉइंट, जो इंटेंसिटी पॉइंट पी की है, वो इन दोनों के इंटेंसिटी का रिजल्टेंट भी तो है इंडिविजुअल का, क्योंकि मिलके तो दोनों के स्फीयर बनाना है ना। अब तुम ये कहोगे सर हम इसे अलग अलग क्यों देख रहे हैं? भाई मैं अलग अलग इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि मैंने किसी सॉलिड स्फीयर के अंदर इंटेंसिटी पढ़ी नहीं है, पर मैंने किसी सॉलिड स्फीयर की सरफेस के ऊपर तो इंटेंसिटी पढ़ी है। तो ये देखो, ये जो ये पॉइंट है, ये इस छोटे सॉलिड स्फीयर की सरफेस पे है, और सरफेस पे इंटेंसिटी कितनी होती है हमने अभी यहाँ पे देखा, उसका फॉर्मूला मैं यूज कर लूंगा यहाँ पे। दूसरा, ये जो ये पॉइंट है पी, ये इस थिक शेल के अंदर है। अब थिक शेल का जब केस यहाँ पर डिस्कस करोगे, तो तुम ये भी तो कह सकते हो भाई कि इस थिक शेल को हम इस तरह की बहुत सारी थिन शेल्स में डिवाइड कर सकते हैं। यस सर। बताओ कर नहीं सकते क्या? इसको कोई प्रॉब्लम होगी बता दो। बोल। कर सकते हैं सर। तो अगर हम इस तरह की बहुत सारी थिक थिन शेल्स में इस थिक शेल को डिवाइड कर सकते हैं, तो तुम ये चेक करो कि हर एक थिन शेल के लिए ये पॉइंट पी कहाँ पे होगा, क्योंकि थिन शेल यहाँ से शुरू हो जाएंगे, यहाँ से ही। तो इन सारी थिन शेल्स के लिए ये पॉइंट पी कहाँ पे होगा, अंदर होगा या नहीं होगा? होगा सर। और किसी भी थिन शेल के अंदर उसकी वजह से इंटेंसिटी कितनी होती है? जीरो। जीरो। तो ये जितनी भी ब्लू शेल्स मैं लूंगा आउटर थिक शेल में, इन सब की इंडिविजुअल की इंटेंसिटी पी पर कितनी होगी? जीरो ही होगी सर। तो इस पूरी थिक शेल की कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक? जीरो। तो एट पी ड्यू टू थिक शेल इंटेंसिटी इक्वल टू जीरो, इस वाली थिक शेल की बात हो रही है। अच्छा अब यहां पे आ जाओ, ये जो ये पॉइंट पी है, ये इस अंदर वाले स्फीयर के सरफेस पे है, तो अंदर वाले स्फीयर की सरफेस के ऊपर इंटेंसिटी क्या होती है? टोटल मास को हम पॉइंट मास की तरह कॉन्सेंट्रेटेड मान लेते हैं सेंटर पर। यस सर। इंटेंसिटी एट पी ड्यू टू इनर सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर इक्वल टू जी। अब देखो यहाँ पर चेक करो, यही तो होगी जी एम बाय आर स्क्वायर। एम क्या होगा? मास ऑफ द स्फीयर। तो मास यहाँ पर कौन से स्फीयर का होगा? मास ऑफ इनर स्फीयर। इनर स्फीयर। थोड़ा सा बस दिमाग ही लगाना है इसमें और ज्यादा कुछ कैलकुलेशन करने नहीं है। अगर तुम ठीक से कर लोगे तो तुम्हारा काम आसानी से हो जाएगा। जी एम आर क्यूब अपॉन आर क्यूब इंटू आर स्क्वायर, ये मैंने यहाँ से वैल्यू रख दी मास की। तो आई कितना हो गया? जी एम आर अपॉन आर क्यूब। बोलो किस किस को समझ नहीं आया? आ गया सर। तो पॉइंट पी की इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए हमने गिवन स्फीयर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। आउटर पार्ट की वजह से इंटेंसिटी जीरो प्रूव कर दी, क्योंकि वो बहुत सारी थिन शेल से कंस्ट्रक्टेड है, और इनर शेल की वजह से हमने इंटेंसिटी का फॉर्मूला लिख दिया भाई। तो अपना काम चल गया। इस पॉइंट पी की जो इंटेंसिटी है वो हो जाएगी सीधा सीधा जी एम बाई आर क्यूब इंटू
और बोलो, कोई प्रॉब्लम है? यहां से जो आई है वो आर के प्रोपोर्शनल है या नहीं? तो ऐसो जैसे जैसे अंदर से बाहर की तरफ जाऊंगा तो इंटेंसिटी क्या होगी? बढ़ेगी। इंक्रीज होगी, और बाहर से अंदर जाऊंगा तो डिक्रीज होगी। डिक्रीज होगी। तो इंटेंसिटी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को भी कहते हैं। तो विद डेप्थ अगर हम एच डेप्थ पे देखेंगे तो इंटेंसिटी कितनी होगी? क्योंकि सेंटर से डिस्टेंस रह जाएगी आर ई माइनस एच। तो बस इस आर की जगह मैं तुम्हें वो बता रहा हूँ जो तुमने स्कूल में पढ़ा होगा, इसकी जगह रख दूंगा आर ई माइनस एच। तो इंटेंसिटी जो होती है वो विद डेप्थ डिक्रीज होती है, मतलब जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डेप्थ के साथ डिक्रीज होती है। बोलो क्या प्रॉब्लम है? दो अब सेंटर के लिए अगर हम देखें तो आर इक्वल टू जीरो, सौ फाइव जीरो तो आई का मतलब होता है इंटेंसिटी होती है यूनिट मास के ऊपर फोर्स। तो अर्थ चूंकि एक सॉलिड स्फीयर जैसी चीज है तो अगर हम उसके सेंटर पे चले जाते हैं तो वहां पे तुम्हें ग्रेविटी फ्री स्पेस दिखाई देगा, मतलब वहां पे तुम्हें ऐसा लगेगा जैसा अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर वैसे अंदर लगेगा। ठीक है ना भाई? यस सर। बोलो कोई प्रॉब्लम हो तो। नहीं सर प्रॉब्लम। नहीं आज भाई इतना ही करेंगे, थोड़ा सा ना दूसरे वाला आर्टिकल लंबा है, वो कंटिन्यूटी में ही कराना पड़ेगा एक तो, दूसरा मेरी तबीयत भी आ जाती है मुझे बार बार खांसी, तो थोड़ा सा तुम इसको एक बार पढ़ के आ जाना ठीक से। कोशिश करेंगे कि मतलब बाकी का काम कल कर, ओके सो नोट्स वगैरह अपडेट रख लेना जरा आपने, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट काम है। ये पूरा का पूरा चैप्टर तुम्हारे लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी काम आने वाला है, इसलिए थोड़ा ठीक से पढ़ लेना और एक एक चीज इसकी नोट कर लेना, कहीं पे कोई डाउट हो तो डाउट को भी मार्क कर लेना। ठीक है ना? कल से इसमें फिर पोटेंशियल एनर्जी वगैरह के कॉन्सेप्ट यूज होने लगेंगे और फिर उसके बाद इसमें आ जाएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में, फिर वो इंक्रीज डिक्रीज होने में लगेगा। ठीक, कल मिलेंगे। गुड नाइट।